तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज बजट पेश किया और बजट पर पीडब्ल्यूडी और गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू का कहना है कि ये बजट सभी वर्गों के लिए है। उन्होंने कहा कि 2023 चुनाव में इस बजट का फायदा कांग्रेस को मिलेगा। ताम्रध्वज साहू से खास बातचीत की हमारे संवाददाता सौरभ सिंह परिहार ने। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 2023 और 24 का बजट पेश कर दिया है। इस वक्त मेरे साथ जो है गृह मंत्री और पीडब्ल्यूडी मंत्री ताम्रध्वज साहू जी हैं। साहू जी, इस बजट को आप कैसे देखते हैं? बहुत बढ़िया बजट है। जनहित में लिया गया निर्णय माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने जो बजट पेश किया है, सर्वहारा वर्ग के विकास की है, जिस पर कभी किसी का ध्यान नहीं जाता था सरकारों का, उधर उनने किया है। बजट से संतुष्ट है और सही बता रहे हैं, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि हम असंतुष्ट हैं और ये बजट में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिससे लोगों को फायदा मिले। ये केवल झूठ वाली बजट है जो पिछले 4.5 साल में कांग्रेस की सरकार कर रही है। उन लोगों को उसके अलावा कहने को उनके पास कुछ है ही नहीं। मेरा तो कहना है कि हमारी योजना अलग और गलत लगता है तो उसको स्वीकार मत करें ना। हम धान खरीद रहे हैं 2500 में, हमारी योजना गलत है, पैसा वापस कर दें, शेष पैसा 1800 रुपया समर्थन मूल्य को रखें, बाकी वापस कर दें। कर्ज माफी की योजना हमारी गलत है, जितने बीजेपी वालों कर्ज माफी हुआ वापस कर दें, हमारी योजना गलत है तो क्यों स्वीकार करते हैं हमारी योजना को। ये थे हमारे साथ गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू जी और पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से अगर भाजपा आरोप लगाती है कि हमारी योजनाएं अच्छी नहीं है तो उन योजनाओं के तहत अगर उनको फायदा मिल रहा है तो वो फायदा या अर्थात राशि जो है वापस लौटा दिया जाना चाहिए। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों पर जो सरकार ने घोषणाएं की है उसका कितना फायदा राज्य की जनता को मिल रहा है। कैमरा मैन रमन संगर के साथ सौरभ सिंह परिहार, IBC 24 रायपुर।